किसी गांव में पारुल नाम की एक लड़की अपने सौतेले भाई पंकज के साथ रहती थी। पंकज पारुल से जबरदस्ती मजदूरी का काम करवाता था। पारुल को जो भी पैसे मिलते पंकज उससे अपना खर्च चलाया करता था। फिर कुछ समय बाद पंकज मीना नाम की लड़की से शादी कर लेता है। मीना भी पंकज की तरह दुष्ट थी, वो भी पारुल पर अत्याचार करने का कोई मौका नहीं छोड़ती थी। फिर एक दिन, अरे इस खाने में तो ढेर सारी मिर्च है, मेरा मुंह जल गया। क्यों रे पारुल, तूने जानबूझकर खाने में ज्यादा मिर्ची डाली है ना, तेरी वजह से मीना का मुंह जल गया, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। नहीं नहीं भैया, खाने में मिर्ची ज्यादा नहीं है, भाभी झूठ बोल रही है। अच्छा ये देखो, अब ये मुझे झूठी ठहरा रही है। पंकज तुम्हारे सामने ये मेरी बेइज्जती कर रही है और तुम तमाशा देख रहे हो। तुम चिंता मत करो मीना, मैं अभी इसकी अकल ठिकाने लगाता हूँ। उसके बाद पंकज अपना बेल्ट उतार कर पारुल को मारने लगता है। थोड़ी देर में पारुल बुरी तरह घायल हो जाती है। अब अगर दोबारा तूने मीना के साथ कोई बदतमीजी की तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। पारुल को मार खिलाकर मीना मन ही मन बहुत खुश होती है। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन मीना और पंकज एक बड़े मॉल में शॉपिंग करने जाते हैं। वहाँ एक कीमती साड़ी मीना को पसंद आ जाती है। पंकज ये साड़ी बहुत सुंदर है, मुझे ये साड़ी खरीद कर दे दो। लेकिन उस साड़ी का दाम सुनते ही पंकज और मीना के होश उड़ जाते हैं। अरे बाप रे, ये साड़ी तो 1,00,000 रुपए की है। लेकिन मुझे ये साड़ी चाहिए, अब नई साड़ी के बिना मैं नहीं रह सकती। मेरे पास एक बहुत बढ़िया उपाय है, क्यों ना हम पारुल की किडनी बेच दे, उसके बाद हमें ढेर सारे पैसे मिल जाएंगे, फिर हम साड़ी के साथ साथ और भी कई चीजें खरीद सकते हैं। हाँ ये तो तुमने बहुत अच्छी बात कही। उसके बाद पंकज एक लालची डॉक्टर से बात करके पारुल की किडनी बेचने का इंतजाम कर देता है। फिर पंकज और मीना पारुल को जबरदस्ती डॉक्टर के पास ले जाते हैं। आखिर तुम दोनों मुझे यहाँ लेकर क्यों आए हो, मैं तो बीमार नहीं हूँ। हम तेरी किडनी निकालने के लिए तुझे यहाँ लेकर आए हैं, अब चुपचाप अपना मुंह बंद कर। उसके बाद डॉक्टर पारुल को बेहोशी का इंजेक्शन लगाकर उसकी एक किडनी निकाल लेता है। उस किडनी को बेचने के बाद मीना और पंकज को ढेर सारे पैसे मिल जाते हैं। दूसरी तरफ किडनी निकलने से बेचारी पारुल बहुत कमजोर हो जाती है, लेकिन इस बात से पंकज और मीना को कोई फर्क नहीं पड़ता। हे भगवान, तूने मुझसे मेरे माँ बाप क्यों छीन लिए, इन जालिमों ने मेरा जीना हराम कर रखा है, आखिर मुझे और कितने दुख झेलने पड़ेंगे। इस तरह पारुल दुखी होकर रो रही थी, तभी खिड़की पर एक कौआ आता है। पारुल उस कौए को रोज रोटी दिया करती थी। फिर पारुल अपने आंसू पोंछते हुए रसोई घर से रोटी लाकर कौए के सामने रख देती है। क्या बात है पारुल, आज तुम इतने दुखी क्यों हो? कौए को बात करते देख पारुल को बड़ा ताज्जुब होता है। अरे अचानक ये बातें कैसे करने लगा? मैं एक जादूगरनी का कौआ हूँ, इतने सालों से तुम मुझे रोटी खिलाती हो, मैं जानता हूँ तुम बहुत ही नेक और दयालु हो, मुझसे तुम्हारा दुख देखा नहीं जा रहा, आखिर बात क्या है? फिर पारुल रोते हुए कौए को अपने भाई और भाभी की सारी करतूत बता देती है। अच्छा तो ये बात है पारुल, तुम फिकर मत करो, अब आज के बाद तुम्हें कभी आंसू नहीं बहाने पड़ेंगे, ठहरो मैं अभी आता हूँ। उसके बाद कौआ उड़ता हुआ सीधे जादूगरनी के घर पहुँच जाता है और उसे पारुल के बारे में सब बता देता है। जादूगरनी बहुत दयालु थी, वो हमेशा बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की मदद किया करती थी। फिर जादूगरनी कौए को एक जादुई सुनहरा नेकलेस दे देती है। इस नेकलेस को ले जाकर उस लड़की को दे दो, उसकी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। उसके बाद कौआ वो जादुई नेकलेस ले जाकर पारुल को दे देता है। पारुल जैसे ही उस नेकलेस को पहनती है कि तभी पारुल के फटे पुराने कपड़े सोने के कपड़ों में बदल जाते हैं। ये देख पारुल के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहता, लेकिन तभी अचानक वहाँ उसकी भाभी मीना आ जाती है। अरे ये क्या, अचानक इसके पुराने कपड़े सोने के कपड़ों में कैसे बदल गए? पारुल ये सब क्या है, तेरे कपड़े सोने में कैसे बदल गए? ये सब जादुई नेकलेस का जादू है, अब तू और तेरा दुष्ट पति पारुल का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अगर तुम दोनों ने पारुल को परेशान करने की कोशिश की तो ये जादुई नेकलेस तुम दोनों को नहीं छोड़ेगा। तभी वहाँ पंकज भी आ जाता है। मीना पंकज को सारी बात बता देती है। पंकज जल्दी से पारुल के गले से ये नेकलेस उतार लो, उसके बाद मैं इसे पहन लूंगी। पंकज जैसे ही पारुल की ओर बढ़ता है कि तभी उस जादुई नेकलेस के अंदर से एक बड़ा सा सांप बाहर निकल कर पंकज को जकड़ लेता है।
अरे बाप रे, ये सांप कहाँ से आ गया? अरे कोई बचाओ मुझे। इससे पहले कि मीना कोई हरकत कर पाती, जादुई नेकलेस से एक दूसरा सांप बाहर निकलकर मीना को जकड़ लेता है। फिर वो दोनों सांप पंकज और मीना को काट लेते हैं। सांपों के जहर के कारण दोनों जमीन पर गिरकर तड़पने लगते हैं। मुझे बहुत दर्द हो रहा है, कोई बचाओ मुझे। फिर देखते ही देखते दोनों की मौत हो जाती है। अब तुम्हें जीवन में कभी कोई परेशानी नहीं होगी। और हाँ, इस जादुई नेकलेस की वजह से तुम जब भी अपने शरीर पर कोई कपड़े पहनोगी तो वो सोने के बन जाएंगे। ये सुनकर पारुल बहुत खुश होती है। उसके बाद वो अपने सभी पुराने कपड़ों को पहनकर सोने के कपड़ों में बदल देती है। फिर वो सारे कपड़े बेचकर पारुल को ढेर सारे पैसे मिल जाते हैं और अमीर बनकर वो हंसी खुशी अपना जीवन जीने लगती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बहुत समय पहले परी देश में सोनी नाम की एक खूबसूरत परी रहती थी। सोनी अपने कॉलेज में सबसे ज्यादा खूबसूरत दिखती थी, जिस वजह से कई परियां उसे बहुत जलती थी। फिर कुछ दिनों बाद सोनी के कॉलेज वाले सभी परियों को पृथ्वी पर घुमाने लेकर जाते हैं। बाजार में घूमने के दौरान सोनी की मुलाकात राजीव नाम के लड़के से होती है। राजीव स्वभाव से बहुत अच्छा लड़का था। थोड़ी ही देर बात करने के बाद सोनी को राजीव से प्रेम हो जाता है। अच्छा, अब मेरा वापस जाने का समय हो गया है। अरे तुम तो बहुत जल्दी जा रही हो, मैं तुमसे थोड़ी देर और बात करना चाहता हूँ। ये लो मेरा मोबाइल नंबर, तुम इस नंबर पर जब चाहे तब मुझसे बात कर सकते हो। उसके बाद सोनी वहाँ से चली जाती है। फिर अगले दिन से दोनों फोन पर एक दूसरे से घंटों बात करने लगते हैं। दूसरी तरफ सोनी परी की सौतेली बहन नीलम को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती। नीलम सोनी से बहुत चिढ़ती थी और हमेशा उसके बारे में बुरा सोचती थी। दूसरी तरफ सोनी और राजीव एक दूसरे से शादी करने का फैसला कर लेते हैं। अच्छा, तो ये राजीव से शादी करना चाहती है? मैं इसकी शादी नहीं होने दूंगी। फिर अगले दिन नीलम पृथ्वी के जंगल में पहुंच जाती है। तभी उसे पेड़ के ऊपर एक खतरनाक चुड़ैल दिखाई देती है। नीलम परी फौरन अपनी जादुई छड़ी घुमाकर उस चुड़ैल को वश में कर लेती है। फिर नीलम के कहने पर वो चुड़ैल सोनी को काट लेती है और चुड़ैल के काटते ही सोनी परी काली और बदसूरत हो जाती है। अरे, इस चुड़ैल के काटने से मैं इतनी बदसूरत बन गई, अब मैं क्या करूं? राजीव तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करेगा। ये सब तेरे बुरे कर्मों का फल है। तूने जरूर बहुत बुरे काम किए होंगे, इसीलिए तुझे ये सजा मिली है। उस चुड़ैल ने मुझे जानबूझकर काटा है, मैंने उसका कुछ नहीं बिगाड़ा था। रहने दे, अब तू इसी तरह हमेशा बदसूरत बन के रहेगी और जिंदगी में तुझसे कोई लड़का शादी नहीं करेगा। इस तरह नीलम परी सोनी को ताना मारकर वहां से चली जाती है। फिर अगले दिन राजीव सोनी से मिलने आता है। अब सोनी का भयानक रूप देख राजीव हमेशा के लिए उससे रिश्ता तोड़ देगा। ये सोचकर नीलम परी मन ही मन बहुत खुश हो रही थी। अरे सोनी, तुम इस तरह अचानक काली कैसे हो गई? तुम तो बहुत डरावनी दिख रही हो। एक चुड़ैल ने मुझे काटकर इस तरह बदसूरत बना दिया है, अब मैं जिंदगी भर इसी तरह बदसूरत बनी रहूंगी। देखो, अगर तुम मुझसे शादी करोगे तो सभी लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, इसीलिए अब तुम मुझे हमेशा के लिए भूल जाओ। नहीं नहीं सोनी, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें पहले की तरह खूबसूरत बना दूंगा। उसके बाद राजीव अपने गांव में रहने वाली जादूगरनी के पास जाकर उसे सारी बात बता देता है। बेटा, मैंने अपने जादुई गोले में सब देख लिया है। सोनी की सौतेली बहन नीलम ने उसे जानबूझकर बदसूरत बनाया है, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं सोनी को फिर से पहले की तरह खूबसूरत बना दूंगी। उसके बाद जादूगरनी
राजीव को एक सुंदर सी साड़ी देते हुए कहती है, इस साड़ी को पहनते ही सोनी फिर से पहली की तरह खूबसूरत बन जाएगी। उसके बाद राजीव वो साड़ी सोनी को दे देता है। सोनी फौरन साड़ी को पहन लेती है और पहले से भी कहीं ज्यादा खूबसूरत बन जाती है। इस वक्त मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मैंने सारा इंतजाम कर दिया है, अगले हफ्ते ही हम दोनों शादी कर लेंगे। उसके बाद राजीव वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ सोनी को फिर से खूबसूरत देख नीलम के सीने पर सांप लौटने लगते हैं और वो सोनी को जान से मारने का फैसला कर लेती है। उसके बाद वो जंगल की चुड़ैल को वापस बुला लेती है। सुन चुड़ैल, मैं अपनी सौतेली बहन को बर्दाश्त नहीं कर सकती, तू उसे इसी वक्त मारकर खा जा। ठीक है, तुम चिंता मत करो, मैं अभी उसके शरीर के टुकड़े करके खा जाऊंगी। इतना कहकर चुड़ैल सोनी के कमरे में दाखिल हो जाती है। अरे ये चुड़ैल तो फिर से यहाँ आ गई। अगर इसने दोबारा मुझे काट लिया तो मैं फिर से बदसूरत बन जाऊंगी। तुम चिंता मत करो सोनी, मेरे रहते हुए चुड़ैल तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। फिर अगले ही पल जादुई साड़ी के अंदर से ढेर सारे बड़े बड़े कांटे निकलकर चुड़ैल पर हमला कर देते हैं। अरे मर गई रे, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, अरे कोई मेरे शरीर से कांटे बाहर निकालो। आए तभी वहाँ नीलम आ जाती है। जादुई साड़ी नीलम के शरीर पर भी कांटों से हमला कर देती है। चुड़ैल की तरह नीलम भी दर्द से तड़पने लगती है। अरे मुझे बहुत दर्द हो रहा है, कोई तो बचाओ मुझे। उसके बाद जादुई साड़ी उन दोनों को चिड़िया बनाकर एक पिंजरे के अंदर कैद कर देती है। ये देख सोनी परी बहुत खुश होती है। इस तरह सब कुछ ठीक हो जाता है। फिर कुछ दिनों बाद सोनी राजीव से शादी करके हंसी खुशी अपना जीवन जीने लगती है। सुनीता की सौतेली माँ बहुत ही जालिम थी। वो सुनीता पर बहुत अत्याचार करती थी। सुनीता जब 18 साल की हो जाएगी उसके बाद इसकी सारी दौलत अपने नाम करवाकर हम इसे जान से मार देंगे। लेकिन माँ हमें ये काम बड़ी होशियारी से करना होगा। गांव वाले सुनीता से बहुत हमदर्दी रखते हैं, उन्हें हम पर जरा भी शक नहीं होना चाहिए। तू चिंता मत कर बेटी, मैंने सारा इंतजाम कर लिया है, मैं सुनीता को सांप से कटवा कर मारूंगी। उसके बाद कमला फोन करके एक सपेरे को बुला लेती है। कहिए मालकिन, मुझे कैसे याद किया? पिछले साल आपने अपने पति को मरवाया था, अब किसकी बारी है? कल तुझे मेरी सौतेली बेटी सुनीता की जान लेनी है। ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, आप चिंता मत करिए, मेरे पास एक बहुत ही जहरीला सांप है, उसके काटते ही सुनीता पानी भी नहीं मांगेगी। ये सुनकर दोनों माँ बेटी बहुत खुश होती है। लेकिन दूसरी तरफ खिड़की के पास खड़ी सुनीता ये सारी बातें सुन लेती है। अच्छा तो इन्हीं दोनों ने मिलकर मेरे पिता की हत्या की थी, अभी मुझे भी मारना चाहती है, मुझे इसी वक्त यहाँ से भागना होगा। तभी विमला की नजर सुनीता पर पड़ती है। अरे माँ लगता है इसने हमारी सारी बातें सुन ली। अरे इसे जल्दी पकड़ो वरना ये गांव वालों को हमारी असलियत बता देगी। उसके बाद सपेरा सुनीता को पकड़ लेता है। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, मैं मरना नहीं चाहती। देखो अगर तुम्हें दौलत चाहिए तो मैं अपनी सारी दौलत देने को तैयार हूँ, बस मुझे छोड़ दो। हमें तेरी दौलत के साथ साथ तेरी जान भी चाहिए। उसके बाद कमला सुनीता को कमरे में कैद कर देती है। लेकिन उसी रात किसी तरह सुनीता खिड़की की सलाखें तोड़कर बाहर निकल जाती है।
तभी कमला और विमला उसे देख लेती है। अरे ये तो सलाखें तोड़कर भाग रही है, जल्दी से इसे पकड़ो। उसके बाद दोनों माँ बेटी सपेरे के साथ मिलकर सुनीता का पीछा करने लगती हैं। सुनीता भागते हुए एक घने जंगल में पहुंच जाती है। तभी उसे एक पुराना घर दिखाई देता है। उस घर के अंदर बहुत सारी बुढ़िया बैठकर कपड़े तैयार कर रही थी। अरे बेटी, तुम कौन हो और इतनी घबराई हुई क्यों हो? आखिर बात क्या है? मुझे बचा लीजिए, मेरी सौतेली माँ मुझे जान से मारना चाहती है। चिंता मत करो, हमारे रहते कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तभी वहाँ दोनों माँ बेटी सपेरे के साथ आ जाती हैं। अच्छा तो यहाँ बूढ़ी औरतें हैं, ये तुझे क्या बचाएंगी? सुनो, अगर तुम सबको अपनी जान प्यारी है तो हमारे रास्ते से हट जाओ। नहीं नहीं, हमारे होते हुए तुम इस मासूम लड़की का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। चुपचाप यहाँ से चली जाओ, वरना ठीक नहीं होगा। अरे माँ, जरा इस बुढ़िया की बातें तो सुनो। मुंह में चार दांत तो बचे नहीं और हमें धमकी दे रही है। अभी मैं इसकी हड्डी पसली तोड़कर इसे ठीक करती हूँ। तभी एक बुढ़िया सुनीता को एक फ्रॉक पहना देती है। बेटी, ये जादुई फ्रॉक है, अब तुम इसकी मदद से इन तीनों को सबक सिखाओ। सुन सपेरे, तो जल्दी से अपने जहरीले सांप को इसके ऊपर छोड़ दे। हाँ हाँ, अभी मेरा सांप इसका काम तमाम कर देगा। लेकिन तभी अचानक वो जादुई फ्रॉक सुनीता के हाथ में एक बड़ी तलवार प्रकट कर देती है। सुनीता उस तलवार से सांप के टुकड़े कर देती है। ये देख सपेरा घबरा जाता है। अरे, इसने तो मेरे सांप को मार दिया। लगता है इसकी जादुई फ्रॉक बहुत ही शक्तिशाली है। तभी सुनीता सपेरे पर हमला करके उसके दोनों हाथों को तलवार से काट देती है। हाय, मर गया रे, मेरे दोनों हाथ कट गए। सपेरे की हालत देख कमला और विमला दोनों बुरी तरह घबरा जाती हैं और वहाँ से भागने लगती हैं। लेकिन तभी जादुई फ्रॉक एक बड़ी रस्सी प्रकट करके उन दोनों माँ बेटी को जकड़ लेती है। अरे माँ, हम दोनों कैसी मुसीबत में फंस गई हैं? लगता है अभी हमें नहीं छोड़ेगी। हाँ, तूने सही कहा, अब मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगी। तुम्हें मार कर मैं अपने पिता की मौत का बदला लूंगी। नहीं नहीं बेटी, हमें मत मार। दोनों माँ बेटी सुनीता के सामने गिड़गिड़ाने लगती हैं। तुम दोनों बहुत ही लालची और धोखेबाज हो। दौलत के लिए तुमने मेरे पिता को मौत के घाट उतार दिया और अब मेरी भी जान लेना चाहती हो, इसलिए तुम दोनों को जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। उसके बाद सुनीता उन दोनों की गर्दन काटकर उन्हें जान से मार देती है। इस तरह सुनीता का बदला पूरा हो जाता है। बेटी, तुम ये जादुई फ्रॉक को अपने पास रखो, ये हमेशा इसी तरह तुम्हारी रक्षा करेगी। उसके बाद सुनीता उन सभी बुढ़ियों का शुक्रिया अदा कर अपने घर लौट जाती है। उस दिन के बाद से उसके जीवन में कभी कोई परेशानी नहीं आती और वो हंसी खुशी अपना जीवन जीने लगती है।